हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट 1/4 पार्ट इज रिमूव्ड. द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट विल लाई ऑन. से स्क्वायर प्लेट से एक पार्ट को हम रिमूव कर दिए तो सेंटर ऑफ मास इस रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि जब बॉडी मूव करती है तो इसका होल मास इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है. हम ये कंसिडर करके सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. और अगर कोई डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास इज गिवेन एज आर सी एम इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डॉट 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 प्लस एम वन प्लस एम टू प्लस और अगर एम थ्री एम फोर सिस्टम है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है. ठीक है, ये ओ ज़ीरो ज़ीरो है और इसका इस स्क्वायर प्लेट का जो लेंथ है वो क्या है, ए है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बाई टू. मतलब यहाँ से यहाँ का ये ए बाई टू हुआ, ये माइनस ए बाई टू, तो पूरा लेंथ ए हो गया. ठीक है, और हम ये मानते हैं कि एक पोर्शन का, इस पोर्शन को अगर हम मान लें, इस पोर्शन का जो मास है वो एम है, ये सारा इक्विवेलेंट है तो इसका भी एम होगा और इसका भी एम होगा. ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इस वाले के लिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, ये अगर ए बाई टू है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, ए बाई फोर. ठीक है, ए बाई फोर, ए बाई फोर पे इसका सी ओ एम लाई कर रहा है. तो फर्स्ट वाले के लिए कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट वाले के लिए. फर्स्ट का मतलब इसको हम वन मान लेते हैं, इसको टू और इसको थ्री. तो फर्स्ट वाले के लिए ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेंटर ऑफ मास ए बाई फोर है और ए बाई फोर है. और सेकंड सिस्टम, सेकंड वाले ब्लॉक के लिए अगर लें तो ये तो माइनस ए बाई फोर एंड प्लस ए बाई फोर. और अगर थ्री के लिए लें तो क्या होगा, ये दोनों माइनस ए बाई फोर और माइनस ए बाई फोर होगा. ठीक है, तो हम मान लिए कि इन सब का मास m है और इसका जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ 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 लाई कर रहा है. पूरे सिस्टम का हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम का. तो लेट्स डू इट. पहले तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो ये क्या आ जाएगा, m a बाई फोर प्लस m, सबका मास m है, m माइनस a बाई फोर प्लस m माइनस a बाई फोर अपॉन थ्री एम. ठीक है, तो x सी एम क्या आ जाएगा, ये और ये विल गेट कैंसल्ड. ठीक है, तो आ गया माइनस m a बाई ट्वेल्व m, यानी सेंटर ऑफ मास आ गया x के लिए माइनस a बाई 12. वैसे ही वाई सी एम निकाल लेंगे तो वाई सी एम क्या आएगा, ये वाला सारा कोऑर्डिनेट लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा एम ए बाई फोर प्लस एम ए बाई फोर माइनस एम ए बाई फोर अपॉन थ्री एम. ठीक है, और ये एंड ये विल गेट कैंसल्ड और एम ए बाई फोर अपॉन थ्री एम बाई सी एम क्या आ जाएगा, एम और एम इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई ट्वेल्व बाई सी एम आ गया ए बाई ट्वेल्व. तो ए बाई ट्वेल्व और माइनस ए बाई ट्वेल्व कहाँ पे लाई करेगा, लाइन कहाँ पे लाई करेगा, ए बाई ट्वेल्व माइनस ए बाई ट्वेल्व और कितना आ रहा है, माइनस ए बाई ट्वेल्व और प्लस ए बाई ट्वेल्व, तो ये कहाँ पे लाई करेगा. अगर हम माइनस ए बाई ट्वेल्व की बात करें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये है ए बाई फोर, ये सेंटर जो है इसका, तो ए बाई ट्वेल्व इधर कहीं लाई करेगा और प्लस ए बाई ट्वेल्व इधर, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, मतलब अलॉन्ग द लाइन ओ ए ये लाई करेगा. ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है विल लाई अलॉन्ग will lie along the line OA और उसका coordinate क्या है, माइनस ए बाई ट्वेल्व और ए बाई ट्वेल्व. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, OA, ऑप्शन टू, मतलब जो इलिमिनेट हुआ उसके ही लाइन पे. OA यही वाला लाइन है,
ये वाला लाइन है, तो ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।